दोस्तों, हम में से हर किसी को GTA गेम्स खेलना तो पसंद होता ही है, मगर एंड्रॉइड पर GTA 5 गेम अवेलेबल ना होने के कारण हम अलग अलग तरह के एंड्रॉइड गेम्स देखते हैं जिनमें हमें GTA 5 का जैसा गेम प्ले एक्सपीरियंस देखने को मिले। तो इसी को आसान बनाने के लिए आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ टॉप 10 बेस्ट गेम्स लाइक GTA 5, यानी कि ऐसे गेम जिनके अंदर आपको GTA 5 का जैसा ही गेम प्ले एक्सपीरियंस तो देखने को मिलेगा ही, साथ ही उसी के जैसे ग्राफिक के साथ साथ बहुत ही मजेदार ओपन वर्ल्ड एरिया भी आपको इन सारे गेम्स के अंदर देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, इन्हीं मजेदार गेम्स के बारे में जानने से पहले फटाफट वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे फ्यूचर में आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाएगी। तो दोस्तों, बिना देरी के चलिए इस मजेदार वीडियो को स्टार्ट करते हो, देखते हैं आपको इनमें से कौन सा गेम पसंद आता है। तो गाइस, वीडियो की स्टार्टिंग करते हो, नंबर 10 पर है GTA 5 बीटा। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि GTA 5 से रिलेटेड बहुत सारे फैनमेड गेम्स एंड्रॉइड के लिए बनाए गए हैं और उनमें से GTA 5 बीटा भी एक बहुत ही ज्यादा शानदार फैनमेड गेम है। और वीडियो में आप देख सकते हो कि इस गेम के अंदर आपको कितने अच्छे हाई क्वालिटी के 3D ग्राफिक्स देखने को मिलने वाले हैं और आपको इसके ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट में बहुत ही ज्यादा कलरफुल ग्राफिक्स भी देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको बहुत सारी अलग अलग तरह की कार चलाने को तो मिलेगा ही, जिसमें आप लैम्बोर्गिनी कार से लेकर फरारी जैसी कुछ मजेदार व्हीकल्स को इस गेम के ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट के अंदर चला सकते हो। इसके अलावा इन सारी कार्स को कस्टमाइज करने का भी ऑप्शन इस गेम के अंदर दिया गया है, जिसमें आप अपनी कार्स के कलर से लेकर टायर को अपने हिसाब से चेंज भी कर सकोगे। तो दोस्तों, ओवरऑल बात करूँ तो GTA 5 बेटा वर्जन एक काफी ज्यादा हाई क्वालिटी का GTA फैन मेड गेम है और इस गेम को अपने एंड्रॉइड डिवाइस पर खेलने के लिए आपको मिनिमम 4GB रैम की जरूरत तो पड़ेगी ही, जिससे आप आसानी से इस गेम को अपने स्मार्टफोन्स में स्मूथली खेल पाओगे। गाइस, वीडियो को आगे बढ़ाएंगे और नंबर 9 पर है GTA Vice City। दोस्तों, आप में से हर किसी को GTA Vice City गेम्स के बारे में तो पता ही होगा ही, क्योंकि ये काफी ज्यादा पॉपुलर GTA सीरीज का गेम है और इस गेम के अंदर आपका कैरेक्टर एक गैंगस्टर का होगा, जिसे अलग अलग तरह के मिशंस कंप्लीट करके इस गेम की स्टोरी को आगे बढ़ाना पड़ता है। और स्टोरी को आगे बढ़ाने के अलावा इस गेम में आपको काफी मजेदार कट सीन्स भी देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ इस गेम के ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट के अंदर आपको अलग अलग तरह की कार चलाने से लेकर हेलीकॉप्टर, बोर्ड जैसी और भी बहुत सारी डिफरेंट टाइप की व्हीकल चलाने को मिल जाती है, जिनका इस्तेमाल करके आप इस गेम के ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करने के साथ साथ अपने मिशंस को भी इजीली कंप्लीट कर पाते हो। तो दोस्तों, ओवरऑल बात करूँ तो GTA Vice City गेम एक काफी ज्यादा हाई क्वालिटी का GTA सीरीज का गेम है और ये गेम प्ले स्टोर पर आपको रुपए में देखने को मिल जाता है, मगर इस गेम को आप थर्ड पार्टी वेबसाइट पर जाकर आसानी से फ्री में अपने एंड्रॉइड डिवाइस पर डाउनलोड करके भी एंजॉय कर सकते हो। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ेंगे और नंबर 8 पर है लॉस एंजेलिस अंडरकवर। दोस्तों, लॉस एंजेलिस अंडरकवर गेम भी एक बहुत ही ज्यादा मजेदार GTA 5 का जैसा ही सिमिलर दिखने वाला फैन मेड गेम है और इस गेम के अंदर आपको GTA 5 सिटी का जैसा ही सिमिलर ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट खेलने को मिलेगा, जिसके अंदर आपका कैरेक्टर फ्रैंकलिन का होगा और आपको इस गेम के अंदर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेपन्स भी इस्तेमाल करने को मिलेंगे। इसके अलावा इसमें आप अलग अलग तरह की कार चलाने से लेकर हेलीकॉप्टर जैसे और भी बहुत सारे व्हीकल्स को इसके ओपन वर्ल्ड मैप के अंदर चला पाओगे, साथ ही साथ इस गेम का साइज 1GB तक होने के साथ ही इस गेम को खेलने के लिए आपके स्मार्टफोन्स में 3GB या 4GB की रैम तो होनी ही चाहिए और ज्यादा रैम होने की वजह से ये गेम भी आपके स्मार्टफोन्स में काफी स्मूथली चल सकता है। और बात करें इस गेम के ग्राफिक्स की तो इसमें आपको काफी हाई क्वालिटी के 3D ग्राफिक देखने को मिल जाएंगे, जिससे ये गेम एक GTA 5 का जैसा सिमिलर दिखने वाला काफी मजेदार फैन मेड गेम बन जाएगा, जिसे जरूर से आपको अपने एंड्रॉइड डिवाइस पर ट्राई करना चाहिए। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ेंगे और नंबर 7 पर है GTA 5 वर्जन 1.3। दोस्तों, GTA 5 वर्जन 1.3 गेम भी एक काफी ज्यादा मजेदार फैन मेड गेम है, जिसके अंदर आपको GTA 5 का जैसा ही सिमिलर दिखने वाला ओपन वर्ल्ड मैप देखने को मिलेगा इस गेम के अंदर। और इस फैन मेड गेम के अंदर आपको फ्रैंकलिन का रोल प्ले करने को तो मिलेगा ही, जिसमें आप फ्रैंकलिन का रोल प्ले करके अपने कैरेक्टर को कस्टमाइज भी कर सकते हो, जिसमें आप उसके कपड़ों से लेकर हेड जैसी अलग अलग तरह की चीजों को अपने हिसाब से
कस्टमाइज भी कर पाओगे, जिससे ये गेम दिखने में आपको जीटे गेम का जैसा ही सिमिलर लगेगा। और तो और इसमें आपको बहुत सारी अलग अलग तरह की कार चलाने को तो मिलेगा ही, जिसमें आप फरारी, लैम्बोर्गिनी, बीएमडब्ल्यू जैसी अलग अलग तरह की कारों को इस गेम के ओपन वर्ल्ड मैप के अंदर चला पाओगे। और उन सारी व्हीकल्स को भी आप इस गेम के अंदर कस्टमाइज कर सकते हो। और बात करें इस गेम के साइज की, तो केवल 300 MB तक साइज होने के साथ ही इस गेम को आप अपने 3 GB वाले स्मार्टफोन डिवाइस पर भी आसानी से इंजॉय कर सकोगे। गाइस वीडियो को आगे बढ़ाते हो, नंबर 6 पर है GTA San Andreas। दोस्तों GTA San Andreas गेम भी PC पर काफी ज्यादा पॉपुलर GTA सीरीज का ही गेम है, और इसी का मोबाइल वर्जन गेम अब आप अपने एंड्रॉइड डिवाइस पर भी आसानी से खेल सकते हो, जिसमें आपको बहुत सारे मिशंस कंप्लीट करने को तो मिलेंगे ही। साथ ही इस गेम के अंदर भी आपका कैरेक्टर गैंगस्टर का होने की वजह से इस गेम में आप पुलिस फाइट करने से लेकर गैंगस्टर फाइट जैसे बहुत सारे मिशंस को आसानी से कंप्लीट कर पाओगे। और उन्हें कंप्लीट करने के लिए आपको इस गेम के ओपन वर्ल्ड मैप के अंदर बहुत सारी अलग अलग तरह की कार चलाने से लेकर हेलीकॉप्टर चलाने, बोट चलाने और टैंक जैसे हैवी व्हीकल्स भी आपको इस गेम के अंदर चलाने को मिल जाते हैं। तो गाइस ओवरऑल बात करें तो GTA San Andreas गेम एक काफी ज्यादा मजेदार ओपन वर्ल्ड GTA सीरीज का ही गेम है, और प्ले स्टोर पर ये गेम आपको रुपयों में देखने को मिलेगा, मगर इस गेम को फ्री में आप थर्ड पार्टी वेबसाइट पर जाकर आसानी से अपने एंड्रॉइड डिवाइस पर डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस अगर आपको भी ये गेम पसंद आया तो जरूर से आपको ये गेम भी अपने एंड्रॉइड डिवाइस पर ट्राई करना चाहिए। गाइस वीडियो को आगे बढ़ाते हो, नंबर 5 पर है NOS न्यू नेशन। दोस्तों NOS न्यू नेशन गेम एक काफी ज्यादा मजेदार हाई क्वालिटी का ओपन वर्ल्ड ड्राइविंग गेम है, और इस गेम के अंदर आपको GTA 5 गेम्स के जैसा ही सिमिलर ओपन वर्ल्ड मैप कार चलाने को तो मिलेगा ही। साथ ही ऑफलाइन गेम होने की वजह से इस गेम को आप बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी अपने एंड्रॉइड डिवाइस पर एंजॉय कर पाते हो। इसके अलावा बात करें इसके गेम प्ले की, तो इसमें आपको बहुत सारी अलग अलग तरह की कार चलाने को तो मिलेगा ही, जिसमें आप फरारी कार से लेकर लैम्बोर्गिनी, बीएमडब्ल्यू, रेंज रोवर जैसी अलग अलग तरह की कार चला के इस गेम के मिशंस को कंप्लीट कर पाते हो। और ओपन वर्ल्ड गेम होने के साथ ही इसमें आपको अलग अलग तरह की लोकेशन पर जाने के मिशंस भी कंप्लीट करने को मिलेंगे, जिससे इस गेम को आप आसानी से कंप्लीट कर पाते हो। तो दोस्तों ओवरऑल बात करूं तो ये गेम एक काफी ज्यादा मजेदार ओपन वर्ल्ड ड्राइविंग गेम है, जिसका साइज केवल 200 MB तक होने की वजह से इस गेम को भी आप अपने एंड्रॉइड डिवाइस पर ऑफलाइन एंजॉय कर पाओगे। गाइस वीडियो में आगे बढ़ते हो, नंबर 4 पर है प्रोजेक्ट BR। दोस्तों प्रोजेक्ट BR गेम भी काफी ज्यादा मजेदार ओपन वर्ल्ड GTA स्टाइल का जैसा ही गेम है, और इसमें आपको एक छोटी सी सिटी के अंदर ही अलग अलग तरह की कार चलाने से लेकर छोटे छोटे मिशंस कंप्लीट करने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ ओपन वर्ल्ड गेम होने की वजह से इसमें आपको बहुत सारी अलग अलग तरह की कार चलाने को तो मिलते ही है, जिसमें आप थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन मोड के अंदर इस गेम को अपने एंड्रॉइड डिवाइस पर एंजॉय कर पाते हो। और तो इस गेम के ओपन वर्ल्ड मैप के अंदर आपको काफी अलग अलग तरह के इमोट्स भी देखने को मिलेंगे, जिनका इस्तेमाल करके आप अपने कैरेक्टर्स को डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इमोट्स भी करा सकते हो। तो दोस्तों ओवरऑल बात करो तो प्रोजेक्ट BR गेम में काफी ज्यादा मजेदार ओपन वर्ल्ड GTA स्टाइल का सही गेम है, जिसका साइज 400 MB तक होने की वजह से इस गेम को आप बिना इंटरनेट कनेक्शन के अपने एंड्रॉइड डिवाइस पर ऑफलाइन भी एंजॉय कर पाओगे। गाइस नंबर 3 पर है गो टू कार ड्राइविंग 4। दोस्तों गो टू कार ड्राइविंग 4 गेम एक काफी ज्यादा मजेदार GTA स्टाइल का जैसा ही सिमिलर दिखने वाला ओपन वर्ल्ड गेम है, और इस गेम के अंदर आपको एक काफी अच्छी ओपन वर्ल्ड सिटी के अंदर अलग अलग तरह के मिशंस के साथ साथ बहुत सारी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करने को तो मिल ही जाता है। और बात करें इस गेम के ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट की, तो आपको फ्यूचरिस्टिक एनवायरनमेंट इस गेम के अंदर खेलने को मिलेगा, जिसमें आप अलग अलग तरह के जेट पैक का इस्तेमाल करके हवा में उड़ सकते हो, और एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग पर भी आसानी से आप इस गेम के अंदर जा पाओगे। इसके अलावा इसमें आपको कार चलाने से लेकर अलग अलग तरह की व्हीकल चलाने के ऑप्शन भी देखने को मिलेंगे, जिससे ये गेम एक काफी ज्यादा मजेदार GTA स्टाइल का सही गेम बन जाएगा। बात करें इस गेम के साइज की, तो इस गेम का साइज 100 MB तक होने की वजह से इस गेम को आप बिना इंटरनेट कनेक्शन के ऑफलाइन भी अपने एंड्रॉइड डिवाइस पर एंजॉय कर सकोगे। तो गाइस अगर आपको ये गेम पसंद आए तो इस गेम को भी आपको जरूर से अपने एंड्रॉइड डिवाइस पर ट्राई करना चाहिए।
गाइस वीडियो में आगे बढ़ेंगे और नंबर 2 पर है वाइस ऑनलाइन। दोस्तों वाइस ऑनलाइन गेम एक काफी ज्यादा मजेदार जीटीए स्टाइल का सही सिमिलर दिखने वाला ओपन वर्ल्ड ऑनलाइन गेम है और इस गेम के अंदर भी आपका कैरेक्टर एक गैंगस्टर का होगा जिसे इसकी ओपन वर्ल्ड सिटी के अंदर अलग अलग तरह के मिशंस कंप्लीट करने को तो मिलते ही हैं। साथ ही ऑनलाइन गेम होने की वजह से इस गेम के अंदर आप रियल टाइम में रियल प्लेयर के साथ इस गेम को खेल सकते हो जिसमें आप अपने दोस्तों को इन्वाइट करके भी सारे दोस्त एक साथ इस गेम को एंजॉय कर पाते हैं। और तो इसमें आपको बैंक रॉबरी करने से लेकर अलग अलग तरह की बहुत सारे डिफरेंट टाइप के मिशंस कंप्लीट करने को मिलेंगे जिन्हें कंप्लीट करके आप इस गेम के अंदर अपने लेवल को अपग्रेड करके अलग अलग तरह की कार भी परचेज कर सकोगे। तो दोस्तों ओवरऑल बात करूं तो वाइस ऑनलाइन गेम काफी ज्यादा मजेदार मोबाइल पर रिलीज हुआ जीटीए स्टाइल का सही दिखने वाला गेम है और इस गेम का साइज 400 MB तक होने की वजह से इसमें आपको काफी अच्छे 3D ग्राफिक देखने को मिलेंगे जिसे आप प्ले स्टोर पर जाकर आसानी से अपने एंड्रॉइड डिवाइस पर एंजॉय कर सकते हो। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आज के आखिरी और नंबर 1 गेम का नाम है ग्रैंड क्रिमिनल ऑनलाइन। दोस्तों ग्रैंड क्रिमिनल ऑनलाइन जीटीए ऑनलाइन गेम का जैसा ही सिमिलर दिखने वाला एक काफी ज्यादा हाई क्वालिटी का ओपन वर्ल्ड गेम है और इस गेम के अंदर आपको एक काफी अच्छी ओपन वर्ल्ड सिटी के अंदर अलग अलग तरह के मिशंस कंप्लीट करने को तो मिलेंगे ही। साथ ही ऑनलाइन गेम होने की वजह से आप जीटीए ऑनलाइन गेम्स के जैसे ही इस गेम में अपने दोस्तों को इन्वाइट करके बैंक रॉबरी करने से लेकर अलग अलग तरह के बिजनेसेस कर सकते हो और रॉबरी करके कमाए गए रुपयों से आप इस गेम के अंदर हेलीकॉप्टर से लेकर अलग अलग तरह की व्हीकल्स भी परचेज कर सकोगे। इसके अलावा इसमें आपको अलग अलग तरह के गैंग वॉर जैसे मिशन भी कंप्लीट करने को मिलेंगे जिनमें आपको बहुत सारे वेपन के इस्तेमाल करने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों ओवरऑल बात करूं तो ग्रैंड क्रिमिनल ऑनलाइन गेम एक काफी ज्यादा हाई क्वालिटी का ओपन वर्ल्ड जीटीए ऑनलाइन गेम का जैसा ही सिमिलर दिखने वाला गेम है और इस गेम का साइज 900 MB तक होने की वजह से इसमें आपको काफी अच्छे 3D ग्राफिक देखने को मिलेंगे जिसे आप प्ले स्टोर पर जाकर आसानी से अपने एंड्रॉइड डिवाइस पर ट्राई कर सकते हो। तो दोस्तों ये थे कुछ मजेदार टॉप 10 बेस्ट गेम्स लाइक GTA 5 जिन्हें आपको आसानी से अपने एंड्रॉइड डिवाइस पर ट्राई करना चाहिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो फटाफट वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए जिससे फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाएगी और कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको इनमें से कौन सा गेम पसंद आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय।